मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे कमरे से। तो अभी मम्मी और नाश्ता करके चले गए हैं। मम्मी ने रोटी बनाई थी, मैंने सब्जी बनाई थी, तो मम्मी और उन्होंने नाश्ता किया और मम्मी पापा तो चले गए हैं खेत। पर मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि छोटे को फीवर वगैरह हो रहा था। कल के टीके से नॉर्मल है, कोई बात नहीं। फीवर आना कहते टीके लगने के बाद अच्छा होता ना कि फीवर आ जाए एक बार। तो फीवर कल रात उसको पूरी रात सोया नहीं वो, तो पूरी रात ऐसे उठे हुए थे, मतलब कभी कोई उठ रहा था, कभी कोई उठ रहा था, ऐसे ही हो रहा था। तो आज थोड़ा ठीक है। तो अभी मैंने उसका आज मैंने उसको नहलाया नहीं है बिल्कुल भी। मैंने गर्म पानी से गर्म पानी किया, उसमें मतलब सॉफ्ट सा कपड़ा होता है ना, उसे डुबो के उसका साफ किया, मुंह वगैरह साफ किया, पूरा मतलब बॉडी वगैरह क्लीन कर ली थी। और उसको कपड़े वपड़े पहना के सुला दिया मैंने अपने बेटे को। तो वो तो सो गया है अभी। तो अब मेरा काम अब स्टार्ट होता है। स्टार्ट तो क्या, आज तो मैंने कमरे वमरे सवेरे साफ कर लिए थे, क्योंकि सवेरे से वो मतलब ध्रुवी क्या कर रहा था, उसको ना अपने सामने कोई ना कोई चाहिए था, नहीं तो ऐसे ऐसे कर बुखार में ऐसे करते ना बच्चे, ऐसे झस उठ जाते बिल्कुल, ऐसे सोते सोते ऐसे किया फिर उठ गया मतलब। तो फिर ऐसा हो रहा था उसको। तो मैंने क्या किया, सवेरे सवेरे पहले मैंने उसको सुबह धूप सिखाई बाहर, मतलब ताजी ताजी धूप सिखाई सवेरे की, मॉर्निंग की। तो फिर मैं उसको अंदर कमरे में ले आई थी, फिर मैंने उसको यहाँ पर लिटाया हुआ था और अपना काम भी मैं साथ साथ कर रही थी और गाने चलाए हुए थे मैंने। तो गाने सुन रहा था, अपने आप इंजॉय कर रहा था मतलब ना। और थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि कल से तो रो रहा था, तो उसको पैर हिलाने में भी दर्द हो रहा था शायद ना। तो आज मैंने उसको जब खेलने पे लगाया कि मतलब तू तो खेल ले, गाने वगैरह चला दिया और मैंने गुड्डा लटकाया हुआ था यहाँ पे, तो उसको देख देख के मतलब पर देख के खुश हो रहा था और अपने पैर हाथ पैर हिला रहा था। तो मुझे तसल्ली होगी कि चल धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो रहा है। तो अब चलती हूँ नीचे, इसी से धोया मैंने उसका हाथ मुँह आज। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ और सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ। मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, 11 बजने को हो गए हैं। तो अब पहले सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। पर ही सो रखा है, इधर ही सुला रखा है मैंने ऊपर वाले कमरे में। तो यहाँ मैं दादी को भेजती हूँ उसके पास रहने के लिए। मैं पहले नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, है ना। तो बाद में हो जाएगा, करती हूँ बाद में। पहले मैं ना ये राई के पत्ते तोड़ देती हूँ, थोड़े थोड़े हो रखे, इधर भी हो रखे हैं, उधर भी हो रखे हैं खेत में, दो तीन जगह पे। तो मैं इनको तोड़ देती हूँ और फिर मैं इसकी ना वो बनाऊँगी, कफरी भात बनाऊँगी। आज बहुत दिन हो गया खाया ही ना, तो जो मतलब हिंदी जो गड़बड़ नहीं समझते होंगे, सॉरी, उन्हें पता नहीं होगा कफली किसको बोलते हैं। हमारे यहाँ जो ये राई के पत्ते वगैरह का साग बनता है ना, उसको कफली बोलते हैं। तो कफली और भात बनाने वाली हूँ मैं आज। तो अभी मैं पत्ते तोड़ के लेके जा रही हूँ। आधे मैं ले आई थी नीचे से, पर मैंने शूट नहीं किया। आधे नीचे से ले आई थी मैं, नीचे वाले खेत से, यहाँ पर दो चार रखे थे। तो मैंने सोचा इनको भी तोड़ देते हैं जब तोड़ने ही हैं तो। और ये पापा जी ने लगा रखे हैं राई, और इसको राई के पत्ते से बन जाता है और मूली के पत्ते से बन जाता है। मूली के पत्ते का थोड़ा सा कड़वा सा होता है ना, पर राई के पत्ते से बहुत स्वाद बनता है। तो अभी चलते हैं और बाल्टी में तोड़ के रखे हुए ये धोने के लिए, तो अभी इसको धोने के लिए रख देते हैं। पानी में उबालने के लिए रख दिया, ताकि जब तक मैं इसको बनाने के लिए आऊँ नीचे, तब तक ये थोड़ा थोड़ा पक जाए और गैस में सिम कर दूंगी। अपना नाश्ता छत में ही ले आई हूँ और अब मैं यहाँ पर मैंने बिछा रखा है पहले से ही। अभी ये सोया हुआ है, मुझे लगा उठ गया होगा, तो अभी सोया हुआ है अभी। तो मुझे 10 मिनट ही हुए थे लेते हुए, बस मेरी प्लेट कहाँ चली गई है। अच्छा, तो मैं फटाफट खाना चढ़ा देती हूँ और फिर मैं ऊपर आती हूँ इसके पास। अभी दादी कोई नहीं है तो इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ेगा। ये क्या देख रही है, हेलो कर, इग्नोर, कोई बात नहीं, सब करते रहते हैं, तू भी कर। तो अब जाके मेरा नाश्ता हुआ, इसको रखते नीचे। मैं सब खाना खा लिया है सबने और अब सब आ गया, तो अब जाके धोया है मेरा मुँह साफ। सवेरे से सोच रही थी कि चेंज करूँगी चेंज करूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। तो अभी ना मैंने कल आपको बोला था, कल के ब्लॉग में हाके सुर के, कल के ब्लॉग में बोला था ना आपको कि मैं आपको वो दिखाऊंगी सूट जो मैं अपने लिए मम्मी के लिए लेके आई हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ मार्केट में कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं हमेशा, आपको पता ही है। तो दिखाती हूँ मम्मी के लिए कौन सा सूट लेके आई हूँ मैं और अपने लिए कौन सा। तो सबसे पहले तो इसमें मम्मी की फ्लैट चप्पल है, क्योंकि मम्मी का ना कल क्या हुआ कि एक मिनट फैला रहा हूँ, मम्मी का कल क्या हुआ, मम्मी जब मार्केट जा रही थी ना मेरे साथ, तो मम्मी का वो टूट गया, क्या सैंडल टूट गया। फिर मैं मम्मी के लिए ये वाला लेके आई हूँ, ऐसे मम्मी ऐसी डालती प्लेन डालती ना उम्मा, तो उनके लिए पहले तो ये लेके आए हम। टैग भी लगा रखा भाई, टैग लगा रखा है उन्होंने। तो
और अच्छी चप्पल है बिल्कुल, मतलब एक होती है ना फिसलने वाली, तो ये बिल्कुल फिसलने वाली नहीं, बहुत अच्छी चप्पल है। तो एक ले गई मैं मम्मी के लिए वाले सैंडल की, तो पट पट हो रहा है रही है। और सूट दिखाती हूँ, और ये सूट लेके आई मैं अपने लिए। आपने देखो अगर एक मैंने मम्मी को भी करवा चाहते हुए रिसेंटली कुछ एक सूट गिफ्ट किया था मैंने मम्मी को ना, तो वो ऐसे ही था, ऐसे ही कुछ में था ना, तो बट उसकी सलवार थोड़ी सी चेंज है और थोड़ा सा उसमें कलर अलग है, बाकी तो कपड़ा सेम है, कॉटन का, पूरे कॉटन का उसका सर्दियों का सूट है पूरा। तो साथ में ये सूट है इसकी, ये सूट मतलब ये जो बाहर से दिख रही है सूट है, और सलवार का कपड़ा इसका ये लाइनिंग वाला है, तो ये इसका सलवार है, और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा बहुत अच्छा इसका, काफ़ी लंबा है मतलब ना, ये शॉल जैसा दुपट्टा है इसका। तो ये लेके आई मैं अपने लिए ये वाला सूट है। तो अब आप लोग सोचोगे कितने सूट लेगी, पहनती तो है नहीं पर मुझे लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब वो अलग बात है कि अब तो मैं इसको मम्मी के लिए सिलवा दूँ, लेकिन हाँ मुझे पसंद आया था तो कोई भी पहन लेगा, मम्मी पहने चाहे मैं पहनूँ। तो रेडीमेड सूट का तो क्या होता है ना, मैं अब टाइट नहीं करवाती सूट वगैरह, बिल्कुल नहीं करवाती, क्योंकि क्या होता है अगर मैंने डाल लिया, अगर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं मम्मी को दे देती हूँ, लेकिन फिर सिले सिले सूटों का तो ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरी फिटिंग बहुत अलग है मम्मी से, मतलब मम्मी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो ये सूट मैं अपने लिए लेके आई हूँ, और सबसे अच्छी बात है सूट में ये है कि सर्दियों का है, तो अभी प्राइस बताती हूँ मैं इसका, ठीक है? तो पहले इसको साइड रखते हैं। नेक्स्ट ये है मम्मी का सूट, ये भी सर्दियों का ही है, पर इसका डिज़ाइन है ना गर्मियों वाला डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका, तो नहीं ये देर है दिखाने के लिए कि ऐसा सूट है, देखो इस टाइप का सूट है। तो ये भी वही है सर्दियों का ही है, और मुझे सबसे अच्छी बात वही लगती है सूट में कि और कुछ हो ना, पर दुपट्टा अच्छा होना चाहिए, मेरी शॉल रोने लगी एक मिनट। तो क्या कहती हूँ मैं, ये शॉल है ना, तो इसकी शॉल भी बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी, ये देखो ये इसका शॉल है। और पहले आप लोग गैस करके अभी कमेंट कर दो पहले कि कितने का, कितने के होंगे सूट, ठीक है? गैस करके बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने का, क्या क्या प्राइस इनका। तो सबसे अच्छी बात इन सूटों में क्या, ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि अब मैंने मशीन निकाल ली है बाहर, मैंने जब ये छोटू साथ में मैंने कहा था तब तक मैं मशीन का काम हल्का हल्का कर रही थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में, तो अब मैंने दोबारा मशीन निकाल ली, तो ये मम्मी का सूट सिलूंगी ये, और एक अपना सूट बहुत उसके साथ मेरा ये भी मैच हो रहा है मेरा प्लाजो। तो ये मम्मी के लिए, अब मैं इन सूटों का प्राइस बताती हूँ आपको, ठीक है? इस टाइप का ये मम्मी का सूट ये, और इसके गले पे डिज़ाइन, और मेरा सूट तो आपको दिख ही रहा होगा ये हल्के कलर में है, और इसके गले का डिज़ाइन दिखाते हैं, बस इसका गले में थोड़ा सा बाकी प्लेन है मतलब ये सूट, और इसका भी ये गले में है बाकी प्लेन है ये सूट। तो दोनों के प्राइस हैं 300-350, ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेती मैं, पहले से नहीं लेती, मुझे ना मतलब कपड़ों का बहुत शौक है, लेकिन होता है ना कि एक महंगे कपड़ों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं, लोग लेते हैं, लोग बोलते हैं कि जारा का, एच एम का, ये वो बोलते हैं ना, पर मेरे को महंगे कपड़ों का बिल्कुल। चूड़ियाँ मैंने पहली बार ली हैं, वैसे मैं ली थी ऐसे कलर की चूड़ियाँ, तो और मेरी काफ़ी देर तक रह भी जाती हैं, जो ये प्लेन वाली चूड़ियाँ मैंने शादी के बाद जब चूड़ा निकाला था ना, तो उस टाइम पे पहनी थी मैंने ये वाली चूड़ियाँ। तो मैं क्या करती हूँ कि दो पहनती हूँ फिर निकाल देती हूँ, दो पहनती हूँ फिर निकाल देती हूँ, तो मेरी चूड़ियाँ वैसी रह जाती हैं, तो वो उनकी चूड़ियाँ उनकी टूटती हैं, जो ज़्यादा काम वगैरह करते हैं ना, मैं हार्ड काम जैसे घास वगैरह हो गया, घास काटने का, लकड़ी काटने का, तो उनकी चूड़ियाँ जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन घर घर में क्या चूड़ियाँ टूटना यार, है ना? तो आज मैं ये वाली चूड़ी डालती हूँ, ठीक है? देखते कैसे लगती है। मैंने ये वाली चूड़ियाँ एक ही दर्जन लेके आई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा चूड़ियों की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत कम चूड़ियाँ डालती हूँ, आपको पता है, अब तो बच्चे की वजह से और भी कम डालती हूँ, क्योंकि ये नहीं तो रात को खन 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 होती रहती है, अगर मेरे हाथ थोड़े से मोटे होते फिर नहीं होना था इन्होंने खन खन खन, लेकिन मेरे साइज़ मिलता ही नहीं, बहुत पतले हाथ हैं, और ऊपर से भैया ने दो, हाँ दो तीन चूड़ियाँ एक्स्ट्रा भी डाल दी थी, तो एक हाथ में मतलब हाँ एक हाथ में मेरे छः छः चूड़ियाँ हो रखी हैं मस्त। तो चलो मैं पहले सबसे पहले अपने कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? इस तैयार हो गई थी मैं, और अब जा रही हूँ मैं ऊपर पंचायत चौक में, वहाँ पर थोड़ा सा काम है कुछ, तो वो निपटा के आ जाती हूँ अपना, तब मिलती हूँ आपसे, ठीक है? अगर वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा वहाँ पर तो वीडियो शूट कर दूँगी, तब दिखा दूँगी आपको कि वहाँ पर कर क्या रहे हैं, अगर नहीं मिलेगा तो सीधा घर आके मिलूँगी आपसे, ठीक है? तो गाइस हम आ गए हैं पंचायत चौक में, और हम दोनों बैठे हुए हैं बस ऐसे ही, और बाकी कोई नहीं आया, और डिम्पी भी आ गई आज तो घर, तो डिम्पी कह रही है देवरंजन ब्लैस बैठ रखे हैं, अब हमने पहले से करके ना ऊपर से देख के बोल रही देवरंजन इतने खतरनाक तरीके से बैठ रहे, मैं कहा रुतबा है रुतबा। मुझे एक ही देगी, मेरे को एक दी, बाकी सबको दो दो दी, मेरे पास भी एक ही है। थैंक यू, तू क्या खाएगी फिर?
चल ए, एक पकड़ ले, एक एक शानू थैंक यू थैंक यू तो बोल इधर देख थैंक यू वेलकम वेलकम बोल पहले शानू का तुम्ही खींचे तभी तो मैंने अपना वेट कम करके रखा है मुझे पता नहीं कितना तुम्हारा वेट मुझे पता है कि तुम मेरे को नहीं खींच सकते कितना है तुम्हारा वेट कितना है कैमरा बंद करके बताते हैं यहां के रास्ते देखो कैसे होते हैं ये सीढ़ियां लगाई होती हैं चले ऊपर ऊपर से और ऐसे चढ़ते हैं हमारे यहां के लोग और ऐसे चढ़ते हैं हम घर आ गए और क्या बोलते हैं वहां पे देखो कितने सारे लोग हैं ना नीचे तो वो चल रही क्या मीटिंग हो रही है आज पंचायती मीटिंग हो रही है अभी अभी पड़े ना आपको कुमार लगने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता अभी नई नई शादी हो रखी है ना इसलिए लग रहा है भाभी को मेरे पे कुमार लग रखे हैं तो कितनी सारी मिर्ची है ऊपर संतरे अभी मां के खाले लग गए बोल बैठ के लगन बैठ गया हां मीठा होना मां कसम खाकन दे ऊपर से तो ब्याह लो जा रो छाओ माटो कना ना मेरे को क्या छाओ रसी लो मां के कमा ऊपर जूस कन बनाई है मशीन ले ना मैं नहीं खान नहीं भूबो ना नहीं खान छी निकाल यार हमारे ब्यूटीफुल पहाड़ी ब्लॉगर जो कि अभी आटा निकालेंगे यार गाइस जी यार भाभी यार एक नजर आ चुकी है एक परसों आएंगे भी तो हमारी मैडम जी हाथ पैर धो रही हैं और मोमोज लेके आए सबसे बड़ी बात मोमोज लेके आए तो मोमोज खाते हैं और भाभी चाय बना रही है मैं भी चलती हूँ अंदर मैं भी थोड़ा सा सहयोग देती हूँ मैं भी फिर सहयोग देती हूँ थोड़ा सा मैं बनाऊँ अंकिता जी चाय नहीं जी मैं आई थी मोमोज खाइए ना ना मैंने खा लिया थे बच्चे ते पानी में छोट बच्चे हैं पानी में छोट बच्चे मैंने खा लेना चीज नहीं इसमें क्या है नहीं इसमें क्या है पटोड़े हैं पटोड़े दाल के चूरमे चूरमे दे रहा था नीचे ना ना दिन पे बनाया जाना अच्छा तेरे बड़ी अच्छा मैं तो बनी नहीं आना अभी आज नहीं बनिया तो ना पान मैं सासु जी बने ना अच्छा अच्छा गाइस आज ऊपर रोड खाने नहीं टेस्ट होता है बहुत ज्यादा चाय पी लेते हैं कौन सी बन जाएगी तो क्रीम पे गाइस बाद में काम होता है और पहले व्लॉग बनता है ये तो खाने पे लग गए भाई साहब मुख की चित्र से और उसे बॉल मोमो डाल लगी चपट पूरे की अगर आपको चाहिए तो राहुल ने पहले से डिमांड दे रखी थी अंगूठी की तो बनी बनी आई थी तो उसकी पेमेंट वगैरह सब उन्होंने किया लेकिन लेके मैं आई घर उन्होंने खुद नहीं भेजा मतलब घर तक मैं खुद लेके आई अब कई लोग बोलेंगे ना कि खुद ही लेके आई फिर ऐसा बोल रही है पर मेरा गिफ्ट दिखा देती हूँ आपको फाइनली तो ये अंगूठी है हमारे पास अंगूठी तो बहुत सारी हैं लेकिन वही है एक तो बड़ी है और दूसरी क्या बोलते हैं वो है ऐसी लंबी लंबी वाली ऐसी तो अब मेरा ना मन सा नहीं था इनको पहनने का मैंने कहा डेली यूज के लिए एक ऐसी अंगूठी बनवाना अगर बनवाओगे तो ऐसी बनवाना तो उन्होंने मेरी पसंद से ये वाली बनवाई है जो कि मैंने आपने देखा होगा मैंने हाथ में पहन के रखी थी लेकिन ये मैंने अभी डब्बे में रखी क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था ना इसलिए तो ये गिफ्ट था पतिदेव का और अगर किसी को मतलब इसका प्राइस वगैरह जानना होगा तो मैं वो पर्सनली बता दूंगा मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना।